कल्याण मूर्ति गोपीनाथ, धर्म का प्रेम, देश की सेवा, दीन दुखियों की सहायता, यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि सारा संसार तुम्हारी जय जयकार से गूंजता रहे। तुम धन्य हो। प्रभु, मुझे दुनिया की हवा और स्वर्ग के सुखों का लालच नहीं। धर्म और देश की सेवा ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है और यथाशक्ति मैं उसी कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। चंडीदास बेटे, इन सज्जनों पर यह पवित्र जल छिड़क कर पूजा के फूल बांट दो। अवश्य, लेकिन तुमने इतनी बेबसी से क्यों मांगा? मैं तो तुम्हें रोज ही फूल देता हूँ। क्यों देता हूँ ना? हाँ, आप सदा देते हैं। मैं फूलों से बहुत प्रेम करती हूँ और जब कृपा करके वो फूल आप दें। कितनी सुंदर, वो कौन लड़की है? बैजू की बहन रामी धोबन। वो तुमसे क्या मांग रही थी? थोड़े फूल। फूल पूजा का प्रसाद? हाँ हाँ। किंतु पूजा के पवित्र फूल मांगने का हक इन लोगों को कब से मिला? देवताओं की दया के समान ये प्रसाद रूपी फूल सबके लिए है। ठीक, तो मैं विदा होता हूँ। प्रणाम। बुरी तो नहीं है किंतु धोबन है, बहुत ही नीच जात। जी क्या है, कहिए तो कोशिश करूं। मुझे विश्वास है कि आप मेरी पसंद की तारीफ करेंगे। अच्छी बात।
सखा हो प्रेम पड़ोसी, प्रेम में सुख का सार, प्रेम में सुख का सार। प्रेम सखा हो प्रेम पड़ोसी, प्रेम में सुख का सार, प्रेम में सुख का सार। प्रेम के संग बिताएंगे जीवन, प्रेम के संग बिताएंगे जीवन, प्रेम ही प्राण आधार। प्रेम के संग बिताएंगे जीवन, प्रेम के संग बिताएंगे जीवन, प्रेम ही प्राण आधार। प्रेम सुधा से स्नान करूंगी, प्रेम से होगा सिंगार, प्रेम से होगा सिंगार। प्रेम सुधा से स्नान करूंगी, प्रेम से होगा सिंगार। प्रेम ही कर्म है, प्रेम ही धर्म है, प्रेम ही सत्विचार, प्रेम ही सत्विचार। प्रेम ही कर्म है, प्रेम ही धर्म है, प्रेम ही सत्विचार, प्रेम ही सत्विचार। क्यों ठाकुर, क्या रोज की तरह आज भी आप फूल तोड़ने आए हैं? हाँ रामी, मंदिर के आसपास बहुत से गरीब लोग रहते हैं, ऐसे छोटे काम के लिए उन्हें आज्ञा कीजिए। ये काम आपके लायक नहीं, क्योंकि आप हिंदू जाति के शिरोमणि हैं, ब्राह्मण हैं, और आचार्य जी के बाद इस मंदिर के सबसे बड़े आदमी हैं। रामी, किसी का बड़े और किसी का छोटे घर में जन्म लेना ये मनुष्य की इच्छा और अधिकार में नहीं है। बड़ा छोटा, उच्च और नीच, ये सब समाज के बनाए हुए शब्द हैं, मगर मेरा विचार सबसे अलग है। मैं ईश्वर को जगत पिता और जगत के प्राणियों को उसकी संतान समझता हूं। अगर मेरा यह समझना मेरी भूल है तो मैं इस भूल के स्वप्न से कभी जागना नहीं चाहता। रामी, शूद्र जाति में जन्म लेने पर भी मैंने तुमसे कभी घृणा नहीं की, और यह तुम जानती हो। तू आली आली फूल खिल डाली डाली,
अभी जो कुछ हुआ उसके लिए मैं ही अपराधी हूँ। नहीं, आप नहीं, किंतु आपसे मेरी एक प्रार्थना है। वो क्या रामी? अगर मैं तुम्हारी कोई सेवा कर सका तो बहुत ही सुखी हूँ। समझ में नहीं आता कैसे कहूँ, किंतु कृपा करके आपसे यहाँ ना आया करें। अब से यहाँ ना हूँ? किस लिए? आप यहाँ आते ही क्यों हैं? फूलों के लिए तो निश्चय नहीं आते? नहीं। तब दया करके आप यहाँ ना आया करें। किंतु मुझे यहाँ आना ही पड़ता है। आना ही पड़ता है, किस लिए? मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। क्यों? तुम्हारे आसपास रहना यही मेरी कामना है। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, हमेशा देखना चाहता हूँ, हर समय हर वस्तु को भूलकर, सारी दुनिया का ध्यान भूलकर। किंतु ठाकुर, तुम मुझे सदा क्यों देखना चाहते हो? क्यों? मैं तुमसे ठाकुर, कृपा करके फिर कभी यह बात न कहिएगा। ये सच है रामी, ये सच है। ये न कहिए। कैसे ना कहूँ? सच कहना पाप नहीं है? नहीं नहीं ठाकुर, नहीं, भगवान के लिए नहीं। मुझसे प्रेम करना पाप है, और आपके होठों से प्रेम का संदेशा सुनना
मेरे लिए दुगना पाप है। पाप है? कभी नहीं, ये कभी पाप नहीं हो सकता। मैं विनती करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ कि प्रेम शब्द को न दोहराइए। अगर आप मुझसे प्रेम की बातें करेंगे तो मैं आपके सामने ना आऊंगी, आप मुझे कभी ना देख सकेंगे। कहिए कि आप मुझसे इस तरह कभी बातें ना करेंगे, कहिए। यही होगा, वादा कीजिए कि आप कभी यहां ना आएंगे। नहीं आऊंगा। वचन दीजिए कि आप कभी मुझे देखने की कोशिश ना करेंगे। कभी नहीं, अगर तुम्हारी यही इच्छा है। मेरी इच्छा ईश्वर ही जानते हैं। सवेरे इतना गर्म हो रहा है। अरे बहन, क्यों मैं गर्म हूँ? बहन रास्ते रास्ते आंखें लगाती फिरे और मैं चूल्हे चक्की के साथ सिर फाड़ूं और घर संभालूं। इतना बिगड़ने का कारण मेरा दुर्भाग्य, केवल मेरा दुर्भाग्य। हाय हाय, इतना गुस्सा? अरे हुआ क्या? हुआ क्या, होने को बाकी क्या रह गया है? कोई बात भी बताओगी? बात बताऊं? हाँ बताऊंगी, निश्चय बताऊंगी। मैं डसने से पहले उस नागिन का दांत तोड़ डालूंगी। प्यारी, घर आने दो, फिर समझूंगी। वो आए तो? तुम क्या कह रही हो? निर्लज्ज, तुम भी अजीब स्त्री हो जी। आए गुस्से में आके नया घर ही तोड़ दिया। इंतजार करो, तुम मर जाओ। आए नहीं नहीं, क्यों कोस रही हो? अभी पुल की लाज नहीं 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 ऐसा नहीं ऐसा नहीं। Thank you.
वहीं चलोगे? कहाँ? मंदिर। मेरी तबीयत ठीक नहीं। इसके सिवा मुझे एक जरूरी काम भी है, और तुम जानती हो कि आज महाशय शिरोमणि बहुत से सज्जनों के साथ मुझसे मिलने आ रहे हैं। मुझे साथ ले जाने की आशा में तुम देर न करो। अच्छा, क्या मछली चारा निकल गई? चारा, चारा, कांटा, डोर, सब कुछ। क्या सच? सरजू के लिए हर बात सहल है। तुम अच्छे कर्मचारी हो, और तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें हमेशा अच्छा ही समझा है। बेटा, बहुत से लोगों के साथ शिरोमणि महाशय आपसे मिलने आए हैं। चाहो उन्हें सलमान के साथ अंदर बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। जल्दी जाऊं, छोटे से छोटे काम को भी मुझे खुद देखना चाहिए। तुम्हारे भी कांटे का मंत्र नहीं है। रात कटे किन किन के तारे, ढूंढत नैना साझा सकारे। आओ सुनाओ मन के बसिया, आओ सुनाओ मन के बसिया, मधुर मधुर चंडीदास। मैं तो तुम्हें मंदिर में ढूंढ रहा था। क्या तुम सारा जीवन गाते ही रहोगे? इच्छा तो मेरी यही थी, अगर ये मुमकिन होता। नहीं चंडीदास, नहीं, ऐसे विचार मेरे शिष्य को शोभा नहीं देते। मनुष्य जीवन का सबसे अच्छा और सीधा रास्ता क्या है? केवल कर्तव्य सेवा। आओ
मंदिर में चलो, पूजा का समय आ गया, चलो आओ। रास्ता इतना गंदा कर रखा है। किसका हो गया है? ये भी उच्च जाति की बराबरी करना चाहते हैं। क्या ठाकुर, कितने दुख की बात है कि आप जैसे बड़े आदमियों के होते हुए ये नीच अछूत जबरदस्त मंदिर में आना चाहते हैं। मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे तो थोड़े ही दिनों और जीना है। क्या बात है? बात क्या है, बासुली के पवित्र मंदिर का इन अछूत नीच जातियों ने क्या समझ लिया है? मरघट पंचायत की जगह। अछूत भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की तरह मनुष्य ही है। अच्छा, इसकी चोट तुम्हारे दिल में लगी, समझी? तुम क्या समझी? केवल मैं ही नहीं, सारा गांव रामी धोबन के बारे में सब बात जानता है। ये बुरी बात है, बहुत बुरी। मंदिर में ऐसी बात क्यों की जाती है? ऐसी बातों के लिए ये जगह नहीं है। आओ तुम मेरे साथ चलो। अगर मैं ये कहूं कि आप चंडीदास पर कड़ी नजर रखिए, तो ये ना समझिएगा कि मैं उनके चाल चलन पर कोई धब्बा लगा रहा हूं, किंतु सच्चाई जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं यही है कि आदमी और फिर जवान आदमी के मन और विचार कमल के फूल पर हिलती हुई पानी की बूंद की तरह ठहरे नहीं रहते। सरजू महाशय, आप भूल रहे हैं, न ठहरने वाली चीजों की चंचलता रोकी नहीं जा सकती। दुनिया के नियम को दुनिया का पालनहार ही बदल सकता नहीं है। नहीं श्रीमान, मेरा ये मतलब न था। आपने जो कुछ कहा ठीक है, बहुत ठीक, किंतु अभी जो कुछ सुना गया है उस पर भी ध्यान रखना जरूरी है। चंडीदास, तुम बुराई और भलाई को अच्छी तरह समझ सकते हो। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम हर हाल में सोच और विचार से काम लोगे। आचार्य देव, चंडीदास आप ही ऐसे विद्वान और बुद्धिमान गुरु का चेला है, वो सच और झूठ में कभी धोखा नहीं खाएगा। रामी, खूब मिली। मैं तो तुम्हारी तलाश में था, तुम्हें ढूंढने के लिए मंदिर गया था, किंतु तुम वहाँ नहीं थी। मुझे ढूंढ रहे थे किस लिए? मैं तो मंदिर ही में जा रही हूँ।
हमारी मालकिन ने तुम्हें घर पर बुलाया है, वो तुमसे बहुत जल्द मिलना चाहती है। कोई जरूरी काम है क्या? श्रीमती जी मंदिर में नहीं है? नहीं, वो घर ही पर तुम्हारा रास्ता देख रही है। उन्होंने कहा है कि तुमसे मिलकर मंदिर जाएंगी। तो क्या मैं इसी समय चलूं? हाँ हाँ चलो चलो, मैं भी साथ हूँ। देवता, क्या आपको कुछ दुख है? दुख नहीं, कुछ दुख नहीं, अच्छा हूँ, अच्छा हूँ। नहीं पूज्य पिता, आपको जरूर कोई दुख है। आपके मुंह की उदासी कह रही है कि कोई कांटा आपके हृदय में चुभ रहा है। मुझसे कहिए आपको क्या तकलीफ है? अगर मैं आपकी कुछ सेवा कर सकी तो बहुत ही सुखी होंगी। पुत्री, ये सच है कि मैं कुछ दुखी हूँ। गांव वालों का विचार है कि वो शूद्र लड़की रानी जो मंदिर का आंगन झाड़ने आती है, मेरे शिष्य मेरे प्यारे चंडीदास को अपने प्रेम मंत्र से बेवश करके धर्म और कर्तव्य के रास्ते से हटाकर पाप और नरक की तरफ लिए जा रही है। पिता, लोगों की बातों पर विश्वास न कीजिए। हो सकता है कि चंडीदास में दोष हो। निर्दोष? निर्दोष हो सकता है। अच्छा, अब मैं तुम्हें ज्यादा तकलीफ देना नहीं चाहता, तुम घर जाओ। मेरा विचार है कि मैं चंडीदास से इस विषय में कुछ बातें करूं और समझा दूं कि उसे सावधान रहना चाहिए। आपके कमरे में धूम मारा। किंतु उसने कुछ शक तो नहीं किया? नहीं सरकार, शक क्या करती थी। किंतु मालिक वो मंदिर में है। मैं तुम्हें तुम्हारी आशा से भी अधिक इनाम दूंगा। अधिक? सरजू बाबू ने मुझसे कहा था कि मालकिन तुझसे मिलना चाहती हैं, इसलिए बुलाया है। ठीक है, जानता हूँ, किंतु ये कोई कारण नहीं
कि तुम उससे बात न करो। रामी, इस कदर शर्माने और घबराने की क्या जरूरत है? मैं कोई शेर नहीं हूं, फिर तुम मुझसे इस कदर डरती क्यों हो? क्यों चुप हो? रामी, अपने होठों से मेरे कानों में मीठी बातों का अमृत क्यों नहीं टपकाती? क्षमा कीजिए, मेरे समझ में नहीं आता कि आपसे क्या बातें करूं। मैं ये समझ कर आई थी कि मालकिन मुझसे कोई बात करना चाहते हैं। नहीं नहीं रानी, बात समझने में तुमसे भूल हुई। मैं तुमसे मिलना चाहता था, मुझे तुमसे कुछ कहना था। रानी, मेरी एक इच्छा है, क्या तुम पूरी करोगी? मुझ जैसी गरीब लड़की आपकी क्या सेवा कर सकती है? बात यह है रानी कि तुम मुझे बहुत ही अच्छी मालूम होती हो, सुंदर, अति सुंदर। इस गोरे अंग पर यह मैना वक्त शोभा नहीं देता, शरीर पर रेशम की फुलवर साड़ी, इन हाथों में सोने की चूड़ियां, इन गालों पर काजल का तिल और इस गले में किसी सच्चे प्रेमी के बाहू का हार होना चाहिए। रामी, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, विश्वास करो कि मैं तुमसे सच्चे दिल से प्रेम करता हूं। क्या आप ब्राह्मण नहीं हैं? क्या आप समाज के मानने वाले पुरुष नहीं हैं? क्या मुझ जैसी एक शूद्र कन्या के साथ प्रेम करना आपके धर्म और समाज नियम के विरुद्ध नहीं है? जाति की जंजीरें प्रेम को नहीं जकड़ सकती, और समाज वो मेरी मुट्ठी में है। देखो, सुख तुम्हारी सेवा, धन तुम्हारी पूजा, और मेरे हृदय का प्रेम तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार है। अपनी किस्मत को ठुकरा कर सुख और धन पर लात न मारो। मैं फिर कहता हूं रामी, मैं फिर कहता हूं कि धोखा न खाओ। महाशय, मैं नहीं, आप धोखा खा रहे हैं। मैं? हाँ, आप जो धन और सुख का लालच दिखाकर एक गरीब स्त्री से उसका सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। जानती है कि तू किससे बातें कर रही है? जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं गांव के सबसे बड़े महात्मा रूपी दुरात्मा से बात कर रही हूँ। इतनी निडर, तू जानती है मैं नाराजी होने वाले शिकारों को अपने नौकरों और दरबानों के हवाले कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा न कीजिए, ऐसा न कीजिए। विचार कीजिए, इसका नतीजा क्या होगा? मैं संसार को किस तरह मुंह दिखा सकूंगी? तो एक दिन फिर शर्म दूर हो जाने पर खूब अच्छी तरह मुंह दिखा सकेगी। तमाम स्त्रियां यही बोलती हैं, समझी? छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, मेरा नाश न कीजिए। कुछ नहीं, मैं तेरे होठों से केवल हाँ सुनना चाहता हूँ। हाँ बोल। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, मरते दम तक नहीं। भगवान कहाँ हो कि
क्या तुम एक बेबस कन्या की रक्षा नहीं कर सकते? दया, 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 मैं विनती करती हूँ, नित्य मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। भगवान, भगवान, भगवान। कितने दुख की बात है, तुम इतने गिर गए? इसने मेरा अपमान किया था, मैं इसको इसकी सजा दे रहा था। ये सजा देने का अनोखा ढंग है। स्वामी, मैं सब कुछ समझती हूँ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुमने भगवान से सहायता मांगी थी, तुम बच गई। आओ मेरे साथ चलो। माता, आज आपने मेरी रक्षा की। आप समय पर न पहुंच जाती तो मेरा धर्म नष्ट हो जाता। मैं आपका यह एहसान कभी न भूलूंगी। अगर तुम इस सेवा को एहसान समझती हो तो इसके बदले में तुम भी मुझ पर एक एहसान करो। एहसान? माता, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? यही कि इस अत्याचार के लिए तुम मेरे स्वामी को माफ कर दो। वो क्षमा के काबिल नहीं, लेकिन मुझ पर दया करके तुम्हें ऐसा करना ही होगा। तुम भी स्त्री हो, इसलिए समझ गई होगी कि मैं ये प्रार्थना क्यों कर रही हूँ। क्या तुम उन्हें क्षमा करोगी? मैंने क्षमा किया। वचन दो कि आज की बात किसी से न कहोगी। हाँ, वचन देती हूँ। और जो कुछ हुआ उसे भूल जाओगी? मैं कोशिश करूंगी। एक बात और, फिर जो कुछ सुना है तुमसे कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि उसमें कोई सच्चाई नहीं। चंडीदास जैसे पुरुष और तुम्हारे जैसी हीरा लड़की पर जो दोष लगाया जा रहा है वो कभी सच हो ही नहीं सकता। फिर भी एक स्त्री के लिए ये बहुत दुख और शर्म की बात है कि उसके उज्जवल चरित्र पर कलंक का टीका लगाया जाए। समझ गई माता, आप ही कहिए कि मैं क्या करूं। मैं वचन देती हूँ कि आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। तो तुम मुझे वचन देती हो? हाँ, वचन देती हूँ चंडीदास ठाकुर से जहाँ तक हो सकेगा अलग ही रहूंगी, और साथ ही ये भी कोशिश करूंगी कि मेरे कारण उनके नाम पर धब्बा आने लगे। ईश्वर करे कि मैं ये वचन पालन कर सकूं। ईश्वर, रामी, तुम नीच जाति की कन्या होने पर भी हम जैसी उच्च जाति की स्त्रियों से बहुत ऊंची हो। तुम मेरे प्रणाम करने के काबिल हो। रामी,
सरकार क्या हुआ? अभी कुछ नहीं, किंतु ठहरो, बहुत जल्द कुछ होने वाला है और जो होगा तुम उसे देखोगे और उसका मजा चखोगे। नहीं सरकार, नहीं सरकार, अरे करके मुझे एक दिन का समय और दीजिए सरकार, मैं सब काम ठीक कर दूंगा। और अगर न किया? धर्म और समाज को समा रहा हूँ और दूसरे हाथ से प्रजा का नीच जातियों पर मंदिर के द्वार बंद करने के कारण मुझे अत्याचारी न समझिएगा। नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, प्रजा के आनंद से मेरा आनंद। आदर्श आदर्श। धर्म की आड़ में जो अत्याचार किया जा रहा है, मैं समझती हूँ कि उसमें कोई प्रायश्चित नहीं होगा। प्रेम काया मेरे
देखा सबा को ही रूप प्रेम का पुजारी देखा सबा को ही रूप प्रेम का पुजारी देखा सबा को मुख पर यूं रूप रंग ते शिव शीश गंग मुख पर यूं रूप रंग जैसे शिव शीश गंग रोम रोम मयां गया गरोम रोम मयां गयांग सर्व तेज धारी सोवत जागत हरान जीवन का मधुर स्वप्न जीवन का मधुर स्वप्न जीवन का मधुर स्वप्न जीवन का मधुर स्वप्न वाकी छब प्यारी रामी क्या तुम मुझसे कुछ खफा हो मुझे तुम्हारे पास फिर आना पड़ा मेरी हालत तो ठीक उस आदमी जैसी है जो प्यासे मालिक के लिए पानी ढूंढ रहा हो भला तुम ही बताओ कि इसमें मेरा क्या कसूर है जवाब तो नहीं देती महाशय हड्डी का टुकड़ा ढूंढने वाले कुत्ते की तरह मेरे पीछे पीछे फिरते आपको लाज नहीं आती रामी ये तुम्हारी भूल है मैं फिर कहता हूँ कि अगर तुमने इस मौके को हाथ से जाने दिया तो उम्र भर पछताओगी मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ कृपा करके मेरी भलाई का काम मुझे को सौंप दीजिए महाशय मैं आपके धीरज को सराहती हूँ किंतु आपको ये सोचना चाहिए कि जिस पर आपके मालिक लट्टू हो रहे हैं वो आपसे क्यों बातचीत करेगी जानती हो कि हर बात की हद होती है जानती हूँ फिर अब क्या विचार है अभी तक आप मेरे विचारों से बेखबर हैं श्रीमान आप जैसा बड़ा आदमी यों खुल्लम खुल्ला रामी धोवन के पीछे पीछे फिरे क्या ये आपके लिए दुख और शर्म की बात नहीं है सरजू मैं आपसे डरती नहीं मैं जानती हूँ कि आप मेरा नाश करते हैं कारण कि आप इस गांव के मालिक हैं सरजू समझ गया सरकार हमें अब समय नष्ट न करना चाहिए जो हुक्म हो सरकार
अब और नहीं सह सकती। मैं चन्नीदास से प्रेम करती हूँ और तुम जानते हो कि कितना प्रेम, किंतु उसको मुझसे दूर रखो। उसके दिल से मेरी याद भुला दो। वो यहाँ का पुरोहित है, तुम उसके जीवन का उजाला हो। मैं नहीं चाहती कि उसके रास्ते में कांटे बिछाऊं। मुझे डर है कि मेरा ध्यान उसकी निष्कलंक आत्मा को अपवित्र कर देगा। माता, मुझे शक्ति दो कि मैं उसका वियोग सह सकूं। तुम सब कुछ जानती हो, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जो मेरे दुख को समझ सके? दूसरा कौन है, कौन? तू मंदिर में किसके हुक्म से चली आई? हुक्म? हुक्म की क्या जरूरत है? तेरा मतलब? मैं ये कहती हूँ कि मंदिर के द्वार हर एक के लिए खुले हुए हैं। यहाँ आने का सबको समान अधिकार है। मुंहफट लड़की, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई? सरजू, श्रीमान क्षमा कीजिए, मैं यहाँ ठहर कर आपके पवित्र मंदिर को अशुद्ध करना नहीं चाहती। जानती है कि मंदिर की महानता नष्ट करने के लिए तुझे क्या सजा मिलेगी? जानने से क्या फायदा? मुझे क्या सजा मिलेगी और किस तरह की सजा मिलेगी, ये मैं जानना भी नहीं चाहती। आप जो सजा देना चाहें दे। तुझे कोई परवाह नहीं? कुछ नहीं, रामी धोबन सजा से डरने वाली नहीं। ऐसा ऐसा नीच, तुझे कोई परवाह नहीं? कोई परवाह नहीं, कोई परवाह? इतनी बेरहमी, इतना अत्याचार। चंडीदास, क्या है? गोपीनाथ, क्या बात है? आचार्य देव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मंदिर की पवित्रता का रक्षक कौन है? आप या चंडीदास? लेकिन हुआ क्या गोपीनाथ? हुआ क्या? एक अछूत बच्चन धोबन लड़की मंदिर के अंदर चली आई और मंदिर के पुरोहित से निडर होकर प्यार का खेल खेले। क्या ये पाप का दृश्य किसी से देखा जा सकता है? चंडीदास, आपने विश्वास किया? मेरा हाथ छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे जाने दो, जाने दो। मैं यहाँ आना नहीं चाहती, तुम्हारा मंदिर मुझे नहीं चाहिए। छोड़ दो, छोड़ दो। चंडीदास, तुम भी चुप रहे। ओ, पत्थर की मूर्ति की तरह देखा किए। क्या ये सब मेरी भूल थी? सब मेरी भूल थी? Thank you.
क्या उदोबल लेके अंदर है? तुम किस लड़की को पूछ रहे हो? उस कुतिया रामी को गालियाँ क्यों दे रहे हो बिला वजह? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सारा गांव जानता है कि मंदिर के पुजारी से उस पापिन का पवित्र संबंध है, क्या तुम नहीं जानते? अच्छा जानो ये न जानो, हाथ पांव की सलामती चाहते हो तो बताओ वो कहाँ है? तो घर से बाहर था, मैं कैसे बता सकता हूँ? बदमाश झूठे टालता है, जवाब देता है या नहीं? देखो मैं कह रहा हूँ गालियाँ मत दो। देंगे, जरूर देंगे, कुत्ता कहाँ का है, आगे मत दो। नीच धमकी देता है। आप तो जवाब दे। बदमाश, बदमाश, बाजी। अगर तू जान बचाना चाहता है तो जवाब दे, ना बताएगा तो झड़ूंगा उड़ दो। अरे तुम लोग मेरे पति को इस तरह क्यों मार रहे हो? क्या हम अछूतों के जान नहीं है? चुप रह, चले जा। दया करके इन्हें ना मारो। चले जा, मैं जाएगी। नहीं मैं ना जाऊंगी, इनके बदले मुझे मारो, किंतु इन्हें छोड़ दो। कुसुम तुम यहाँ से हट जाओ, नहीं तुम्हें भी चोट लग जाएगी। लग जाने दो, मैं नहीं हटूंगी। तो तुम ना जाएगी? नहीं नहीं नहीं। अच्छा तू भी ले और तू भी ले। ये तो रामी के बोए हुए कड़ुए पेड़ का पहला फल है। कुसुम, कुसुम, कुसुम। प्यारी तुम्हें बहुत चोट लगी है, हैं? बहुत चोट लगी है? नहीं नहीं कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ। तुम्हें बहुत चोट लगी, खून बह रहा है, किंतु तुम्हें क्यों इतना मारा? क्यों मारा? क्यों मारा यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ, और इसका जवाब मैं रामी से लूंगा। उसे घर आ लेने दो। क्या वो अभी तक घर नहीं आई? कौन? रामी तुम आ गई, कहाँ थी सखी? तुम यहीं बैठो। नहीं नहीं बैठो यहीं। कहाँ गई थी तुम? सुनाई नहीं दिया? कहाँ गई थी तुम? हैं? बहन, इन लोगों ने तुम्हें भी मारा है? हैं? तुम्हें भी मारा? तुम्हें भी? समझ गया? रामी, रामी, चलो अंदर चलो सखी। थोड़े प्रकाश से नाश हो सकला का, नाश हो सकला का, अपने सेवा योग बनाओ, अपने सेवा योग।
क्या ख्याल है? ठीक हुआ, बहुत ठीक हुआ। एक तो छोकरी मेरे अपमान का साहस करे, मेरे उसका दुर्भाग्य और कुछ नहीं, केवल दुर्भाग्य। नहीं तो अब तक वो रानी हो जाती, रानी। हाँ ठीक हुआ ना। निश्चय निश्चय। सुना, तुमने सुना, दादू के घर में आग लग गई। आग लग गई? आग? हाँ हाँ। आग कहाँ? गरीब बैजू का घर जल गया। क्या कहाँ? बैजू का घर, वही घर जहाँ रानी धोबन रहती है। हाँ हाँ वही। हाँ कैसा भयानक दृश्य, सारा आकाश लाल हो रहा है। हाँ बहुत से लोग इकट्ठे हैं, किंतु वो कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसा भयानक दृश्य कभी नहीं देखा। नहीं देखा? कितने अफसोस की बात है। हाँ कितने अफसोस की बात है। हा? तुम लोग आग बुझाने और अभागों की सहायता करने के बदले यहाँ खड़े हुए बातें बना रहे हो। ठीक ठीक। चलो चलो, हमें चलना चाहिए। चलो। कहाँ आग लगी? बैजू के घर में। अब तक तो सब कुछ जलकर राख भी हो गया होगा। घर के भीतर वालों का क्या हुआ? वो बाहर आ गए? हाँ? नहीं, अभी तक वो सब भीतर ही है। सब भीतर है? हाँ? बैजू कुसुम रामी सब। सब बैजू कुसुम रामी सब। देखो घबराओ मत, जल्दी से कोई झगड़ा होगा। शायद हमारे घर में यही लिखा है कि हम जल कर मर जाएं। भीतर जाकर उनकी जान बचा सके? कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा मैं जाता हूँ। हाँ, 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 चलो चलो चलो। और रामी, रामी कहाँ है? रामी का पता नहीं। रामी तुम्हारे विराम होने का समय आ गया। नीला रंग तुम पर खिलता है और वो इस रंग को प्यार करते हैं। हाँ ये वही है, पहनो इसे। पहनकर तुम बड़ी सुंदर दिखाई देती हो, बड़ी सुंदर, बड़ी। अपने को पूरी तरह सजाओ और खवारो खवारो। तुम अपने प्रीतम से मिलने जा रही हो रामी, अपने प्रीतम से रामी, अपने प्रीतम। चंडीदास समस्त काम लो, जल कर मर जाओगे। क्या तुम आत्महत्या करना चाहते हो? अरे वो जल से घर में चला गया। अरे पागल, निश्चय पागल। उधर देखो वो आ रहा है। हा? कितना बहादुर, इसी को वीर कहते हैं। रामी बहन, मानता हूँ चंडीदास ने एक पुर आदमी की तरह रामी की जान बचाई,
मगर हम आचार्य महाशय से ये पूछना चाहते हैं कि चंडीदास का ये काम क्या धर्म अनुसार था। मैं समझता हूं कि अब इस बात का और विचार करना बिल्कुल बेकार है। ये साबित हो चुका है कि कल रात को रानी और चंडीदास एक ही जगह थे। आचार्य महाराज, अब आपका क्या फैसला है? उसकी दुर्बलता ने निश्चय पाप से ठोकर खाई। अब उस पाप से मुक्त होने का एक ही उपाय है, केवल प्रायश्चित। ठीक ठीक है, और इसे शीघ्र प्रायश्चित करना चाहिए, नहीं तो जाति और समाज से निकाल दिया जाएगा। ठीक, हाँ जल्दी बिना देर किए। तुमने सुन लिया? सुन लिया। ऐसी घटनाओं के विषय में हमारे शास्त्रों के जो अटल विधान हैं, तुम उन्हें जानते हो? शास्त्र? मैंने अपना फैसला सुना दिया और मुझे आशा है कि आशा आशा शब्द के कहने की क्या जरूरत है? क्या मैंने आपको वचन देकर ये यकीन नहीं दिला दिया कि मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा? सब ठीक है, प्रायश्चित के लिए तैयार हो जाओ। सारे सिद्धांतों और नियमों को एक पल के लिए भुलाकर मैं इस सच्चाई पर पहुंचा कि संसार में मनुष्यता से बढ़कर और कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं है। इस मनुष्यता से भी बढ़कर एक चीज है, और वो धर्म है, और धर्म से बढ़कर कोई चीज नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ हमारे पास था हमने खो दिया। समझ में नहीं आता कि भगवान हमारे किस पाप का हमें ऐसा कठोर दंड दिया। क्यों दुखी हो रही हो? अरे जानती नहीं कि ईश्वर ने सब कूड़ा करके साफ करना चाहा था। क्यों क्यों? अरे इसलिए कि और भी सुंदर और उजेली चीजों के लिए जगह साफ हो जाए। यही बात होगी हा? होगी हा? अरे ही बात तो है ही। भाई हर चीज की हद होती है। ठीक ठीक, अगर तुम इस हद को तोड़ोगे तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ठीक है ठीक है, आदमी जो बोएगा वही काटेगा। मैं उस धोबन लड़की की तारीफ करता हूँ, उसे प्रेम करने के ढंग खूब याद है। ठीक ठीक, बड़ी ही चालाक है। मैं तुम्हारी राय नहीं मानता, अगर उसमें समझ और चालाकी होती
तो इस तरह एक छुपी हुई बात सारे गांव में मशहूर ना हो जाती। हाँ हाँ हाँ। मगर ये कैसे मान लिया जाए कि रामी और चंडीदास रात को एक जगह थे, किसी ने आंखों से तो देखा नहीं। ठीक ठीक, किंतु ये कैसे हो सकता है कि तुम दोनों को एक जगह देख सकते। ये ठीक है, ऐसी बातें दुनिया के सामने नहीं, दुनिया से छुपा कर की जाती है। अरे भाई, नरक में जाए वो धोबन भी और उसका चाल चलन भी, हमें तो ये खुशी है कि चंडीदास प्रायश्चित के लिए तैयार हो गया। बेशक, वो समझ गया कि रामी ने उसके धर्म नष्ट किया है, जिसका उपाय केवल प्रायश्चित है। ब्राह्मण, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या? कि चंडीदास ठाकुर प्रायश्चित कर रहे हैं? प्रायश्चित, प्रायश्चित, प्रायश्चित? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चंडीदास ठाकुर प्रायश्चित कर रहे हैं? अगर हमारे कहने का विश्वास नहीं करती हो तो अपनी आंखों से क्यों नहीं जाकर देख लेती? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मैं खुद जाकर देखूंगी। जाओ, अगर ये बात सच निकली तब। ठीक है, तब 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 तुम मुझे उसी रास्ते पर देखोगे जो रास्ता तुम्हारा जमींदार मेरे लिए पसंद करता है, और तुम्हारी गंदी आशाएं पूरी हो जाएंगी। प्रायश्चित, प्रायश्चित मेरे कारण, मेरे कारण? तुम क्या कह रही हो? तुमने सुना, तुमने सुना, चंडी ठाकुर मेरे कारण प्रायश्चित कर रहे हैं? रानी, तुमने भी सुना, चंडी ठाकुर मेरे कारण प्रायश्चित कर रहे हैं? क्या रही हो? जाने दो, कहाँ जाओगी? जाने दो मंदिर, जाने दो, जाने दो कुसो। तुम नहीं जानती, ये मेरे मरने और जीने का सवाल है। कुसुम, तुम मेरा मरना नहीं चाहती, किंतु किंतु यदि मुझे निश्चय हो गया कि मेरे चंडी ठाकुर मेरे ही कारण प्रायश्चित कर रहे हैं, तो मैं मर जाऊंगी, जरूर मर जाऊंगी, बहुत कोशिश से मर जाऊंगी। कुसुम, कुसुम छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे जाने दो, भगवान के लिए छोड़ दो, छोड़ दो। रामी, रामी, ईश्वर के लिए जाओ और रानी को रोको, अपने को मार डालेगी। अरे वो मार डालेगी। भाई, जैसे को तैसा चलाता भेजवा हमारे मौलिक से मुकाबला करने। भला कहाँ राजा भोज, कहाँ बजुआ सेली, कैसी सजा मिली? भाई क्या आग लगी है, इन्हीं हाथों से आग लगाई थी। ऐसा दहका कि देखते ही देखते सब कुछ जलकर राख हो गया। अरे बहादुरो दोस्त, अरे तुम्हारा क्या कहना, अब तो मालिक से जरूर इनाम लेंगे। अरे वह कौन है? दे? वो तो रामी है, वो कहाँ जा रही है? चंडी ठाकुर, क्या ये सच है कि तुम प्रायश्चित कर रहे हो? वो प्रायश्चित भंग करने मंदिर जा रही है। चलो चलो, सरकार को खबर करें। हाँ हाँ हाँ। चंडी ठाकुर, क्या ये सच है, क्या ये सच हो सकता है? बोलो, मैं जानना चाहती हूँ, केवल मैं जानना चाहती हूँ। बोलो बोलो, क्या तुम प्रायश्चित कर रहे हो? बोलो बोलो, चंडी ठाकुर बोलो, चंडी ठाकुर, चंडी ठाकुर, चंडी ठाकुर, चंडी ठाकुर, चंडी ठाकुर, चंडी ठाकुर, चंडी ठाकुर। तो तुम लोगों ने अपनी आंखों से रामी को जाते हुए देखा? हाँ हाँ हाँ। और वो ये कह रही थी, कह रही थी कि चंडीदास, क्या ये सच है कि तुम प्रायश्चित कर रहे हो? अर्जुन,
क्या बात है? सरकार खत्म हो गया। क्या? सबकी कराई में मिट्टी में मिल गई। क्या हुआ? वो धोबन तो चंडीदास का प्रायश्चित भंग करने के लिए मंदिर की तरफ जा रही है। प्रायश्चित भंग करने के लिए मंदिर की तरफ जा रही है? जी हाँ। चलो मेरे साथ आओ, मैं उस कमीनी छोकरी को अभी मजा दिखाई देता हूँ। मंदिर ब्राह्मणों, अनुष्ठान का सब काम शेष हुआ। चंडीदास को जात में लाने के लिए अब केवल उसके हाथ से आप लोगों में भाग बंटवाना बाकी रह गया। आप लोग इस कमरे में चलकर बैठिए तो चंडीदास उसे भी अदा करके प्रायश्चित की रस्म पूरी करे। मेरे बच्चे, ईश्वर की कृपा से सब काम अच्छी तरह पूरा हुआ। तुम जैसे आज अग्नि परीक्षा दे रहे हो, मेरी इच्छा और आशीर्वाद है कि तुम इस परीक्षा में सफल हो। लो, आओ। चंडी ठाकुर, चंडी ठाकुर, चंडी ठाकुर, आओ। चंडी ठाकुर एक बार कहो। चंडीदास, तुम बार बार क्यों रुक जाते हो? चंडी ठाकुर, क्या तुम प्रायश्चित कर रहे हो? कौन? ये किसकी आवाज? क्या तुम प्रायश्चित कर रहे हो? रामी, इसलिए जो मैंने तुम्हारी पवित्रता नष्ट की है। रामी, रामी, तुम होश में हो? कहो कहो, मैं जानना चाहती हूँ। हाँ चल। रामी, 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 रामी। अरे ये क्या किया? अरे ये क्या किया? रामी, रामी मत जाओ, हम पागल न बनो, हम तुम्हें मार डालेंगे। रामी ठाकुर, रामी चल जाओ। रामी यहाँ बहन, रामी यहाँ बहन, तुम आ गई, तुम आई। क्या तुम प्रायश्चित कर रहे हो ये विश्वास करके? मैंने तुम्हें नष्ट किया। नहीं नहीं रामी, नहीं, मैंने झूठ को सच समझ कर हृदय में जगा दी थी। ये महापाप था, मैं उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा था। रामी, उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा था, उसी। चंडीदास आओ, पागल न बनो। नहीं, तुम सब कुछ नाश कर रहे हो। नहीं नहीं, मेरे बच्चे हैं, आओ चले आओ। नहीं, कभी नहीं, मेरी हत्या न करो चंडीदास, मेरी हत्या न करो। नहीं, अब मैं और नहीं सह सकता। मेरे बच्चे, अब भी समय है। नहीं, कभी नहीं, चली आओ। देर हो जाएगी मेरे बच्चे, हो जाएगी, हो जाए, हो जाए। अब मैंने तय कर लिया है कि मनुष्यता की पुकार से कोई पुकार बड़ी नहीं है, कोई पुकार बड़ी नहीं, कोई पुकार। अगर ऐसा ही है तो मुझे भी एक बात कहना है। गोपीनाथ, तुम आ गए, ये समझता नहीं है, तुम इसे समझा दो। जिन धार्मिक सिद्धांतों की हमने आज तक सेवा की, तुमने उसे ठुकरा दिया। नहीं नहीं, इसने ऐसा नहीं किया, ये बच्चा है। हमारे धर्म का अपमान किया, इसमें समझ नहीं है। हमारे मंदिर को अपवित्र किया। नहीं नहीं, ऐसा न कहो। ये मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि दूर हो इस मंदिर से, छोड़ दो इस गाँव को। क्षमा करो, और इस बच्चन धोबन को साथ लेकर धर्म और समाज से बाहर निकल जाओ। गोपीनाथ, गोपीनाथ, भगवान, भगवान, भगवान। अरे
अपने गंदे हाथ लगाकर इनकी महानता को अपवित्र न करो। गुरुदेव, क्या मैं जाने से पहले शेष बार आपकी चरण धूल ले सकता हूँ? नहीं, इसी समय निकल जाओ। चंडीदास मत जाओ, दया करो, अपने पिता को क्षमा करो। क्या तुम पिता को शास्ति देना चाहते हो? मत जाओ, दया करो, मत जाओ। आचार्य देव, मत जाओ चंडीदास, मत जाओ। आचार्य देव, चंडीदास चला गया। क्या? चंडीदास चला गया। चंडीदास चला गया, चला गया, चला गया, चला गया, 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 गया। माता, क्या सोच रही हो रामी? सोच रही हूँ कि मेरे ही कारण तुम्हें इतना दुख सहना पड़ा। दुख रामी? दुख की इसमें क्या बात है? ये मेरी परीक्षा थी। हमारे मिलने के रास्ते में जितनी रुकावटें थी आज दूर हो गई। धर्म और समाज के जिन बंधनों में हम जकड़े हुए थे वो भी टूट गए। अब हम एक पक्षी की तरह इस विशाल आकाश के नीचे हर तरफ उड़ सकते हैं। के जल जाने का इतना दुख, देखो जल जाने ही के बाद हर एक चीज का असली रूप दिखाई देता है। क्या तुम नहीं जानती कि सोने को आग में तपाने ही से उसकी असली रंगत खुलती है? यही तो ईश्वर की लीला है। कि तुम इसी तरह से इस आग ने हमारे भी मन की सारी गंदगी दूर कर दी है। देखो यही तो हमारे नए जीवन की शुभ घड़ी है। ये मुक्ति का जीवन है, ये जीवन प्रेम का है, प्रेम ही इसका आधार है। आनंद करो प्यारी, अपने को मुक्त कर डालो, इस प्रेम में अपने को मिटा दो, प्रेम की जय जयकार गाओ। प्रेम की हो जय जय, जीवन है अब तुम्हें माधव पाया। प्रेम की हो जय जय, जीवन है अब तुम्हें माधव धन पाया। आशा के फूल खिले आशा के फूल खिले एक है प्राण तो काया, एक है प्राण तो काया। प्रेम की हो जय जय, जीवन है अब तुम्हें
मन मन की गंगा जमुना को का संगम पे मिला।